एक चीज की कंप्लेन जो कि मुझे बिग बॉस के स्टार्टिंग से थी वो थी कि शिव ठाकरे अकेले क्यों नहीं खेल रहे। वो स्ट्रॉन्ग कैपेबल हैं, अपने दम पर आगे बढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ शिव ठाकरे जो हैं वो काफी ज्यादा अलग तरीके से उठकर आ सकते हैं। लेकिन शिव ने मंडली में साथ रहना चुना। मंडली के साथ रहकर शिव ने अपनी दोस्ती को एक्सपेंड किया। लेकिन शिव की ये दोस्ती क्या वाकई में फ्रूटफुल हुई है? क्या साजिद खान के जाने के बाद अब शिव का गेम जो है ज्यादा निखर कर आएगा? आइए इसी के बारे में थोड़ी सी बातें डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल डेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है RAHULBHOJ राहुल भोज, मिलिए मुझसे वहां पर, ढेर सारी बातचीत करेंगे। दोस्तों, शिव ठाकरे यानी कि बिग बॉस मराठी सीजन 2 के विजेता, बिग बॉस में मराठी में स्पेशली क्योंकि मैंने फॉलो किया था, उन्होंने इंडिविजुअल गेम खेला था। उन्होंने एक उनको एक लड़की से प्यार हो गया था, वीना, और हमने देखा था कि शिव ठाकरे जो है वीना के साथ बहुत ज्यादा डीपली इन्वॉल्व हो गए थे। हालांकि अब वीना और शिव साथ नहीं है, रीजन क्या है ब्रेकअप का हमें नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी दिखती थी। दोस्तों, वो तो रहा बिग बॉस मराठी का गेम। अब बात करते हैं बिग बॉस हिंदी का। डे वन जब शिव ठाकरे आए, जब उन्होंने इस तरीके से कहा राइट, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था। ऐसा लगने लग गया था कि शिव ठाकरे अब ये नेक्स्ट सिद्धार्थ शुक्ला बन सकते हैं। सिद्धार्थ भाई ने कभी भी किसी का साथ वैसे नहीं लिया, गेम में ग्रुप में आगे नहीं बढ़े, मंडली में आगे नहीं बढ़े, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला ने ट्रॉफी जीती। शिव ठाकरे मंडली के साथ रहकर भी आगे बढ़ता रहा। अर्चना ने बार बार आरोप लगाया कि ये मंडली का सरगना है, लेकिन सॉरी बॉस, मंडली का सरगना ये नहीं बल्कि कौन थे, वो थे नन अदर देन साजिद खान। साजिद खान बोले तो ये लोग माने, साजिद खान नहीं बोले तो ये लोग नहीं माने। अब दोस्तों, जहां तक बात की जाए बिग बॉस के घर की, तो साजिद खान और शिव का जो रिश्ता है, हालांकि हम लोगों को दोस्ती दिखती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि शिव जो है साजिद खान को अपना सर्वत्र मानते हैं। जी हाँ, साजिद सर को अगर थोड़े से वो नाराज हो जाए, शिव पहुंच जाते उनके पास सर 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 करके, और उसके बाद हालांकि वो अपने पॉइंट रख रहे थे अभी बीच में, अभी जब जैसे जैसे साजिद खान आउट होने के कगार पर आए, शिव ने अपने पॉइंट रखने शुरू कर दिए। स्पेशली उस दिन से साजिद खान का कहना है, उस दिन से जब उसे चम्मच कहा गया, जब उसे साजिद खान का चमचा कहा गया। अब भाई शिव ठाकरे उसके बाद अपना अलग गेम खेल रहे हैं, और मैं यही बात को बोलता रहा कि भाई अलग खेलो अलग खेलो, लेकिन शायद शिव ठाकरे फैंस को ये दिखा नहीं। शिव ठाकरे फैंस ने दोस्तों अब जाके ये बात एक्सेप्ट करी है, कबूली है, और कहने लगे कि हाँ शिव का गेम जो है अब सुधरेगा क्योंकि साजिद खान आउट हो चुके हैं। साजिद खान और शिव एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को भी रखते हैं, आपने देखा होगा। थोड़ी सी बात सुंबुल को लेकर साजिद खान इतना ज्यादा नाराज हो गए, समझा नहीं, और वो वहां से उठकर चले गए। अब शिव का गेम बहुत अच्छा खेलकर आ सकता है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं शिव इंडिविजुअल, शिव के ऊपर कोई अगर आपको याद होगा अभी रिसेंटली सुंबुल को बचाना था और वाली सारी चीजें थी, तो यहाँ पे लिटरली ये लोग डिसाइड कर रहे थे कि किसको करना है क्या करना है। इसके लिए शिव ने अपनी दोस्ती निमृत के साथ जो है, जो निमृत शिव के साथ